पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक के 755वें उर्स में दिए गए साउंड के ठेके में एक ठेकेदार ने दरगाह प्रबंधक पर मिलीभगत का आरोप लगाया और इस मामले की शिकायत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। साउंड ठेकेदार गुलाम सरवर ने बताया कि उन्होंने ठेके की शर्तों के अनुसार 10,000 रुपये की FDR और कोटेशन को दरगाह कार्यालय में जमा किया, लेकिन दरगाह प्रबंधक ने उन्हें बिना कोई सूचना दिए साउंड का ठेका अपने परिचित को दिला दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह को लिखित में की और मांग की कि साउंड ठेके को निरस्त कर दोबारा कराया जाए। तो मैं जो है साउंड का ठेका लेता हूं, तो मैंने उसको लेकर जो है कोटेशन अपनी जो है वहां पर जमा की थी दरगाह कार्यालय के अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि 31 तारीख तक के जो है आप अपनी कोटेशन जो है एक दरगाह कार्यालय में बॉक्स रखा जाएगा, उसमें आप अपनी उसमें ला के डाल सकते हैं। तो 31 तारीख तक के मैंने 30 तारीख को हालांकि अपनी कोटेशन वहाँ पे जमा करा दी थी, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दरगाह प्रबंधक है उसकी पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है दरगाह कार्यालय के अंदर, और उसके पति की दोनों मिलके जो है पूरी तरीके से दरगाह को काफी नुकसान पहुंचाने के उसमें वो लगे हुए हैं, अपनी जेब में भर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलेबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।